हेलो एवरीवन, आज हम 11वीं वर्कशीट सोशल साइंस की कक्षा 8 की डिस्कस करेंगे। मार्जिलाइजेशन डिस्कस करेंगे। मार्जिलाइजेशन मींस मेकिंग द पीपल ऑफ अ ग्रुप और कम्युनिटी, पीपल की कोई मेकिंग, कोई ग्रुप बनाना या कम्युनिटी बनाना टू फील क्योंकि वो डिफरेंट है अदर्स से, एंड मेकिंग द पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी और ग्रुप फील आइसोलेटेड, और उस ग्रुप को एहसास दिलाना कि वो बहुत अलग सा है, बहुत अजीब सा है, इसको मार्जिलाइजेशन कहते हैं। सच अ पर्सन और ग्रुप डज नॉट रिमेन एट द सेंटर ऑफ सोशल थिंग्स, ये सारे सोशल थिंग्स को नहीं कर सकता और अपने आप को एक फिट बंदा नहीं कह सकता सोसाइटी के। दे फील, ये फील करते हैं, दैट द बिहेवियर, जो लोग होते हैं कुछ वो फील करते हैं, जो बिहेवियर है मेजॉरिटी का, बहुत बड़े जो ग्रुप में लोग हैं उनका ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है, और द पीपल है वो भी उनके अच्छे आसपास के नहीं हैं। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इस सोसाइटी के सेक्शन के सारे सोशल, इकोनॉमिक और पार्टिकल पार्टिसिपेशन में नहीं आते। सो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं बहुत सारे मार्जिलाइजेशन के। पहले डिफरेंट लैंग्वेज, फिर डिफरेंट कस्टम्स, पॉवर्टी, गरीबी, लो सोशल स्टेटस, उनका स्टेटस अच्छा नहीं है। मैनी टाइम्स, कई बार पीपल देखते हैं दिस ग्रुप विद अ सेंस ऑफ एनमिटी एंड फियर, कुछ लोग इनको कभी कभी एनमिटी और फियर के रूप में भी देखते हैं। द पीपल ऑफ इस कम्युनिटी, और पीपल जो है वो एडवांटेज नहीं ले सकते इस तरह के गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ की। दे और पीपल फील पावरलेस, ये पीपल पावरलेस होते हैं, दोज हु हैव लैंड एंड वेल्थ एंड हु आर एजुकेटेड, और ये ज़्यादा पावर वाले नहीं होते हैं उन लोगों से जिनके पास लैंड, वेल्थ और एजुकेशन होती है। अब आदिवासी की बात करेंगे। द वर्ड आदिवासी मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जो आदिवासी होते हैं ये मतलब पुराने समय के लोग कुछ होते हैं। ये कम्युनिटी जो है ये रहती है फॉरेस्ट में एंड स्टिल लिविंग द सेम, और आज तक वो उसी जगह पर रहते हैं। इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया की कई सारी स्टेट्स में 8% ऑफ जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो आदिवासी है। आदिवासी प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिजन्स, ये ट्राइबल वाली सारे रिजन्स को मानते हैं। दीज ऑफ्टन इन्वॉल्व, इनमें अपने पूर्वजों की जो वर्शिप होती है, पूजा, विलेज की, उनकी स्पिरिट और उनकी सारे धर्म होते हैं। वो माउंटेन को पूज्य मानते हैं, रिवर्स को पूज्य मानते हैं, एनिमल्स को पूज्य मानते हैं। आदिवासीज आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेड इन वेरी स्टॉकीपल वे, इनको सबसे अलग रखा जाता है क्योंकि इनके कुछ कस्टम्स होते हैं, ये रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, थोड़े हेड गियर, मुकुट्स पहनते हैं और ये बहुत डांस करते हैं। बिसाइड दीज इनके और भी कस्टम्स होते हैं टू नो वेरी लिटिल, जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। दिस ऑफ्टन रोगली नीड्स टू पीपल बिलीविंग दैट दे आर एक्सोटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड, जिससे लोगों को ये लगता है ये तो अलग तरह के हैं, अलग प्रजाति है और हमसे छोटी प्रजाति है। ऑफ्टन आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट एज दे बिलीव टू बी रेसिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडिया, ये अपने आइडियाज़ को चेंज नहीं करते हैं इसलिए लोग इन्हें बेकार मानते हैं, अपने से अलग मानते हैं, और ये लोग जो होते हैं ये वो ही प्रथा चलाते रहते हैं। ट्राइबल आर टूडे सीन एज मार्जिनलाइज, इन्हें मार्जिनलाइज कम्युनिटी माना जाता है और ये पावरलेस भी माने जाते हैं, और ये हमारे लैंड, सिटी, टाउन से बहुत दूर रहते हैं जंगलों में, और ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क्स में आपको वर्क करते हुए दिखते हैं, और ये जो है ये पॉवर्टी होते हैं, बहुत गरीब होते हैं और किसी की मदद भी नहीं कर पाते और ना ही करते हैं, पर ये अपने रिलीजन को बहुत मानते हैं। तो ये आदिवासी इसकी पिक्चर है जो कि एनसीईआरटी क्लास 8 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक से ली गई है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे व्हाट इज मार्जिलाइजेशन। मार्जिलाइजेशन मीन्स मेकिंग द पीपल ऑफ अ ग्रुप और कम्युनिटी टू फील एज दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड मेकिंग द पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी और ग्रुप फील आइसोलेटेड।
अब व्हाट आर द रीजंस ऑफ मार्जिनलाइज्ड, तो यही है क्वेश्चन का मतलब कि मार्जिनलाइज्ड के रीजंस क्या है, ड्यू टू लैंग्वेज, ड्यू टू डिफरेंट कस्टम पहनावा, ड्यू टू लो सोशल स्टेटस एंड ड्यू टू पॉवर्टी गरीबी। थर्ड, हु आर आदिवासी, द वर्ड आदिवासी मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, कम्युनिटीज दैट हैव लिव्ड विद द फॉरेस्ट एंड आर स्टिल लिविंग द सेम वे इन मैनी प्लेसेज। Why did the tribal start living in cities? The people of this community start living in cities to take advantage of government facility, resources and good opportunities. In your opinion, how can marginalized people can be assimilated in society? Yes, marginalized people can be assimilated in society if we give them equal social, economic and political participation in society. इस तरह से वर्कशीट हम करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय।